So, hello dear students, in this video we are going to discuss about one important topic of simple interest and compound interest. Mathematics का topic है, FY BCom, FY BAF, FY BBI, FY BMS और बहुत सारे courses में ये chapter पूछा जाता है. जहाँ पे maths है वहाँ पे ये chapter आएगा ही confirm. और बहुत ही easy chapter है, आपने हो सकता है school level पे भी पढ़ा हो but भूल गए हो, याद आ जाएगा, don't worry. Okay, so without wasting time, let's begin. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. अभी पहले दोनों के बीच का फर्क समझ लेते हैं. अभी इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज. कभी भी आप कहीं से लोन लेते हो या किसी को लोन देते हो तो आपको फ्री में तो लोन नहीं देगा ना, समाज सेवा कोई कर नहीं रहा है. सपोज मैंने आपको बोला कि 10,000 लोन दो और मैं आपको 2 साल बाद 10,000 लौटाता हूँ तो कोई लोन नहीं देगा. लेकिन अगर मैंने बोला आपको कि आप मुझे 10,000 दो और 2 साल बाद मैं आपको 15,000 देता हूँ तो 5,000 का क्या होता है? इंटरेस्ट. तो उसके लिए तो कोई भी लोन दे सकता है. ठीक है, तो इंटरेस्ट का फंडा आपको समझ में आ गया होगा. जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है लोन के ऊपर का, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन. दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं. एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एज यू कैन सी, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, देखो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट, देखो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों ने एज्यूम किया 100 रुपीज. ओके, तो उसके ऊपर 10% आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो 100 का 10 रुपीज, 10% आता है 10 रुपीज. तो ईयर एंड में ये अमाउंट हो जाएगा 110 रुपये. अगले साल इंटरेस्ट कितना आएगा? सेम प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 100 रुपया, उसका 10% 10 रुपीज. तो पहले साल का 110 और अभी का 10 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, ये दोनों मिला के कितना होगा? 120 रुपीज. थर्ड ईयर में भी जो इंटरेस्ट आएगा इट विल बी ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, 100 का 10% 10 रुपीज अगेन. सो ईयर एंड में वो अमाउंट हो जाएगा 120 पहले का और ये 10 130 रुपया. इसका मतलब 3 साल का मिला के, पहले साल का इंटरेस्ट 10 रुपीज, सेकेंड ईयर का 10 रुपीज एंड थर्ड ईयर का 10 रुपीज, ये मिला के तीनों साल का इंटरेस्ट होता है 30 रुपीज. तो 10 रुपीज, 100 रुपीज प्रिंसिपल, 30 रुपीज तीनों साल का इंटरेस्ट. तो टोटल आप कितना पे करने वाले हो? 130. तो सिंपल इंटरेस्ट का फंडा क्या है? देखो हर साल इंटरेस्ट सेम रहेगा एंड इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट. तो कुछ चेंज इसमें होने वाला नहीं है. ठीक है, सेकेंड जो इंटरेस्ट है अपना, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. तो पहले साल का देखो 100 का 10% आएगा. ओके, 100 का 10% आएगा यहाँ पे, दैट इज 110. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम 110 का, ओके, सो 110 के ऊपर 10% आएगा उसके. सो एज यू कैन सी हियर, तो 110 का 10% कितना आता है? 11. इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर नहीं लग रहा है इंटरेस्ट, किसके ऊपर लग रहा है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो अमाउंट था 110 उसके ऊपर 10% लग रहा है. तो प्रिंसिपल का 10% और इंटरेस्ट का 10%, ऐसे मिला के यहाँ पे 11 रुपया इंटरेस्ट होगा. सो ईयर एंड का अमाउंट कितना होगा? 121. उसके बाद थर्ड ईयर का, अभी इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर नहीं, कितने के ऊपर लगेगा? 121. मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, उसके ऊपर इंटरेस्ट और वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट. इसके लिए इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. तो लास्ट में 121 का 10% 12.10, तो कितना हो रहा है ये? 133.10 तीनों साल का मिला के. तो देखो यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है? पहले साल का इंटरेस्ट सेम है, सिंपल इंटरेस्ट का हर साल का इंटरेस्ट सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हर साल का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है. तो दोनों को अगर कंपेयर करते हो, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, हमेशा ध्यान में रखना कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हमेशा हाई होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आगे देखते हैं हम लोग. डिफरेंस आपको समझ में आया होगा विद दिस सिंपल एग्जाम्पल. तो इसके बाद आप देख पा रहे हो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन टू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100. पी इज फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, एन इज फॉर पीरियड एंड आर इज फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, इसके लिए यहाँ पे देख सकते हो आप लोग आर डिवाइड बाय 100 लिखा है, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इन परसेंटेज. सपोज 10% है तो क्या लिखोगे? आर 10, उसके नीचे 100. अगर आपको डायरेक्टली 10% लिखना है सिंबल, तो नीचे का 100 नहीं लिखा तो भी चलेगा.
कैलकुलेशन के वक्त ध्यान में रखना, ये मैं बताऊंगा आपको क्या करना है वो, ठीक है उसको। और एक सिंपल चीज है, देखो यहाँ पे आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100, तो आई का मतलब भी इंटरेस्ट ही है, लेकिन कैसे मिलता है, आर डिवाइड बाय 100, 10 डिवाइड बाय 100, 0.1, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका आई, तो सिंपल देखो यही फॉर्मूला, उसको मॉडिफाई किया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आई, तो आर अपॉन 100 के जगह पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आई, ठीक है। अगेन ये भी बहुत सिंपल फॉर्मूला, दोनों का मतलब एक ही है, खाली आर की जगह पे आई लिखा, बस इतना ही फर्क है। उसके बाद लास्ट वन इज एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ए इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सपोज आपने प्रिंसिपल अमाउंट लोन लिया था 10,000 और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया 2,000, तो 10 और 2 कितना होता है 12, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना आएगा 12,000, ठीक है। आपको ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू का मीनिंग आई थिंक पता चल गया होगा, सिंपल है बहुत। तो ये दो फॉर्मूला ही ध्यान में रखो, सिंपल इंटरेस्ट एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ओके, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मीनिंग हम लोगों ने देखा था, फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन, इसको बोलते हैं रेज टू एन, एन पावर में चला जाता है, ओके। तो इसको और सिंपल करेंगे तो आर अपॉन 100 का मतलब मैंने आपको बताया था आई आता है स्मॉल, तो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट के जैसे डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं मिला, यहाँ पे आपको मिला ए, That is accumulated value. कितना amount होगा वो पता चला, extra कितना pay करना है वो पता नहीं चला, उसके लिए नीचे वाला formula. Compound interest कैसे मिलेगा, A minus P. Okay, suppose आपको pay करना पड़ा 12,000, आपने loan लिया था 10 का, तो 12 minus 10, तो interest कितना आया 2,000, simple calculation. तो A का मतलब ही क्या होता है, ऊपर वाले formula में देखा था, P 1 plus I raise to N minus P. ये इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया हम लोगों ने, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, फॉर्मूला लिखो बाय हार्ट करो, अपने आप आ जाएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम भी हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज के बारे में, ठीक है। बट सिंपल, एकदम सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट फॉर केथ पीरियड, अब ये फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, सपोज आपको दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैंने एक लोन लिया था 10 साल के लिए, तो मुझे 7वें साल का इंटरेस्ट बताओ, या फिर मुझे 5वें साल का इंटरेस्ट बताओ, तो या फिर मुझे 6th ईयर का इंटरेस्ट बताओ, तो किसी भी पर्टिकुलर एक ईयर का इंटरेस्ट मुझे ढूंढना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। तो P 1 plus I raise to K minus 1 into I, फॉर्मूला पढ़, ओके, पढ़ के रट के जाना, ओके, अपने आप आ जाएगा, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसका इंपॉर्टेंस मैंने बताया, किसी पर्टिकुलर ईयर का मुझे इंटरेस्ट जानना है तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया फॉर्मूलाज फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, एंड फॉर मोर सच वीडियोस, ओके, एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज फॉलो बागवेसस नंदीप कॉमर्स क्लासेस। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी मैथ्स ईजी लगे और सब लोग पास हो जाए। थैंक यू सो मच।